दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल यानी कि मूवीज भक्त में एक बार फिर से। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर जो है पहली बार आए हैं तो हमारे और आपके इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहां पर जो है आपको लेटेस्ट मूवीज़ के जो है डेली डिवाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है जानने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आपके हमारे इस चैनल को। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से तकरीबन 5 दिनों पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तेलुगु फैंटेसी कॉमेडी फिल्म यानी ब्रो द अवतार फिल्म के शुरुआती 5 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और बात करेंगे कि ब्रो द अवतार फिल्म ने जो है अपने शुरुआती 5 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर से जो है टोटल कितने रुपए की कमाई की है, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बाईपन भारी देवा जिस फिल्म में देखने को मिल रहे हैं मेगा स्टार कल्याण सर और उनके साथ देखने को मिल रहे हैं साई धर्म तेज। जी हाँ दोस्तों आपको दुखी इस फिल्म में जो है हमें पावर मेगा स्टार पवन कल्याण सर देखने को मिल रहे हैं, जिनकी तेलुगु स्टेट के अंदर यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। और दोस्तों आपको बता दूं कि उनकी फैन फॉलोइंग के चलते जो उनकी जो फिल्में हैं बॉक्स ऑफिस पर से जो है अगर उन फिल्मों को जो है नेगेटिव से नेगेटिव रिव्यूज़ में मिले तो वो फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर से जो है काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस जो है कर जाती हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्रो द अवतार फिल्म के साथ भी हमें जो है यही देखने को मिल रहा है, जहां पर इस फिल्म को जो है ऑडियंस की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड तरीके जो है रिव्यूज़ देखने को मिले हैं, और कुछ ऑडियंस को यह फिल्म पसंद आई है और कुछ ऑडियंस को यह फिल्म पसंद नहीं आई। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद भी इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो जो है शुरुआती 5 दिनों के अंदर जो है काफ़ी सॉलिड जो है हो चुका है। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें कि इस फिल्म ने अभी तक टोटल जो है कितने रुपये की कमाई की है और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर से जो है हिट होने के लिए कितने रुपये की कमाई करनी है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थिएटर राइट्स है यानी कि थिएटर में दिखाने के राइट्स वो जो है लगभग 98.5 करोड़ रुपए के जो है सोल्ड आउट किए गए हैं, यानी कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर से जो है एक क्लीन हिट का टैग लेने के लिए 99 करोड़ रुपए का जो है डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन और लगभग 160 से 165 करोड़ रुपए के आसपास का जो है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है करना होगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें कि इस फिल्म ने अभी कितने रुपए की कमाई की है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन 30 करोड़ 5 लाख रुपए की नेट कलेक्शन कराता, वहीं दूसरे दिन 17 करोड़ 5 लाख रुपए, वहीं तीसरे दिन 16 करोड़ 90 लाख रुपए, और चौथे दिन यानी कि मंडे को इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, जहाँ पर इस फिल्म ने अपने चौथे दिन सिर्फ जो है 5 करोड़ रुपये के आसपास का जो है नेट कलेक्शन किया है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 4 दिनों का जो टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है लगभग 69 करोड़ यानी कि 69 करोड़ रुपए का, वहीं इस फिल्म का ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 81 करोड़ रुपए का हो रहा है, और इस फिल्म ने ओवरसीज के अंदर 14 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 4 दिनों के अंदर की है। यानी कि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 95 करोड़ रुपए का जो है हो चुका है शुरुआती 4 दिनों के अंदर। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने 5वें दिन लगभग जो है यहां पर 4.5 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और लगभग 6.5 करोड़ रुपए का जो है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है कर रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आने वाले दिनों के अंदर जो है इस फिल्म के कलेक्शन में और ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हिट होना जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो सकता है।